हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं कार की वॉशिंग, अपने काइगर की वॉशिंग। आज फिलहाल ये जो वीडियो है मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ, एक है एक्सटीरियर वॉशिंग और एक इंटीरियर वॉशिंग। आज मैं करने वाला हूँ एक्सटीरियर वॉशिंग बिकॉज मैंने एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया है, वो अभी तक आया नहीं है, तो वो मंडे को आएगा। तो मैंने अपना इंटीरियर आज साफ़ नहीं करना है, आज मैं सिर्फ अपना एक्सटीरियर साफ़ करूँगा गाड़ी का। और मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या क्या सामान लगने वाला है, चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सो एक DIY वीडियो है ऑन कार वॉशिंग, लेट्स सी हाउ इट गोस। यप, तो मैंने गाड़ी को कर दी है सेट और मैंने वाटर जेट का भी मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। कुछ नहीं, मैंने बस अपने घर के जो मोटर है, ओह माय गॉड, मैं भूल गया हूँ पानी ऑन करके। मैं शैम्पू के लिए यूज़ करने वाला था, मैंने बहुत सारा पानी का वेस्ट कर दिया। प्लीज़ गाइस, जो ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे पानी वेस्ट ना करें। तो आज हम करेंगे कार की क्लीनिंग। सो है गाड़ी यहाँ पे है रेडी धुलने के लिए। आज है विश्वकर्मा पूजा जिसके लिए आज गाड़ी धोनी पड़ रही है, अदरवाइज मैं गाड़ी धोना प्लान कर रहा था आई थिंक 2-3 दिन के बाद, बट घर वाले बोल रहे कि आज ही गाड़ी धोनी पड़ेगी। तो आई एम प्लानिंग जस्ट टू वॉश द एक्सटीरियर ऑफ इट और द इंटीरियर, बिकॉज उसके लिए मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इंटीरियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आज कार साफ कैसे होने वाली है। सो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में जहाँ पे कार वॉशिंग के लिए वो बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, कार वॉशिंग शैम्पू एंड लॉट ऑफ थिंग पॉलिशेस। सो हम ठहरे देसी लोग, तो हम आपको DIY वीडियो में ऐसे चीज़ें यूज़ करना सिखाएंगे जो कि चीप है, इजीली अवेलेबल है और बढ़िया से गाड़ी साफ़ हो जाएगी उससे। क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है तो मुझे उतना केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मेरे पास एक स्पेशल केमिकल है, स्पेशल केमिकल शैम्पू जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ, तो वो है ये टैन। ये है एक शैम्पू, हेयर शैम्पू, जो कि इतना स्पेशल है कि इसके पीछे एक स्टोरी है कि मेरे पापा गए थे बनियान खरीदने के लिए, तो उनको रेड़े में बनियान मिल रही थी सस्ते में, दो बनियान के साथ एक शैम्पू फ्री मिल रहा था। पापा ने ये शैम्पू उठा के लाया तो मैंने सोचा अपना खुद का हेयर शैम्पू यूज़ क्यों करना, ये फ्री की शैम्पू है, इसको यूज़ करते घर पे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। या सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गाड़ी धोने का सही तरीका ये है कि गाड़ी को पहले शैम्पू लगा लो, ठीक है, शैम्पू के फोम से पूरे गाड़ी का पहले पूरा बॉडी साफ़ कर लो, जितना भी पेंटेड पार्ट है गाड़ी का उसको पहले शैम्पू के फोम से साफ़ कर लो, और उसके बाद जब वो शैम्पू का पानी थोड़ा बच जाए तो उससे गाड़ी के क्लैडिंग साफ़ करना है। मैंने इसको प्रेशर वॉश से पूरा इसका मड निकाल दिया है और अभी गाड़ी हो चुकी है वॉश पूरी तरह से, एंड एक थोड़ा सा ब्लूपर हो गया है बीच में, गाड़ी साफ़ करते करते अचानक से पाइप छोड़ गया था और मेरे दो टायर का मडगार्ड भी साफ़ करना बचा है, तो वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो गाड़ी चमक चुकी है। सो फाइनली आई हैव रिसीव द पार्सल। मैंने जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ मंगाया था वो अभी आ चुका है, मैं इसको अनपैक करता हूँ। ये मैंने इस पर रखा गीले बोनट पे, इसलिए देखता हूँ। सो दिस इज हाउ वी डू इट। हाँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, पानी काफ़ी निकल चुका है, हम एक हाथ से मोबाइल पकड़ के उसको कर नहीं पा रहा हूँ, बढ़िया, नॉट बैड यार। सुबह मैंने अपने पुराने शॉर्ट से मैंने गाड़ी को साफ़ किया था, बढ़िया, दिस वन इज़ गुड, रियली गुड, बिल्कुल पानी छोड़ नहीं रहा है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। आधी गाड़ी साफ़ करने के बाद ये कपड़ा आपका पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आपको उसको एक बार निचोड़ लेना है, देन यू आर गुड टू गो। और ये माइक्रोफाइबर क्लोथ से ऐसा मैंने सुना है कि इससे गाड़ी साफ़ करने पर बॉडी पे स्क्रैच नहीं आता है, अरे बहुत ही बॉडी के साथ फ्रेंडली है ये कपड़ा। सो दूसरा कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ करने से बेटर आप ये क्लोथ यूज़ करें, इसको सूखा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गीला भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है, बहुत सस्ता ही है। मैंने कुछ 290 रुपीज़ में 6 क्लोथ्स मंगाए हैं, काफ़ी चीप है, आप ये अपने व्हीकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगेन आई एम नॉट डूइंग एनी अफिलिएट मार्केटिंग, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला, जस्ट फॉर योर हेल्प मैं लिंक डाल दूंगा इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। सो गाइस,
जो मैं पॉलिश यूज़ करने वाला हूँ वो मैं पहले अपने बाइक पे यूज़ करता था, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी। सो मुझे वो ढूंढने के लिए जाना पड़ा आज, क्योंकि आज सारे स्टोर्स बंद है मेरे आसपास के, तो मुझे 3 किलोमीटर जाना पड़ा ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, विच इज़ वेरी चीप। ये सो ये एक स्पॉन्ज पॉलिश है जो मैं अपने बाइक में पहले यूज़ करता था, तो मैं ये सेम चीज़ अभी अपने कार में यूज़ करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना यू अप्लाई इट ऑन द बॉडी ऑफ द कार, मैं सिर्फ इसको जो कार की जो क्लैडिंग पार्ट है, सिंस मोस्टली SUVs में क्लैडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लैक क्लैडिंग, तो उसको क्लीन करना और उसको पॉलिश रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैं अब इसको अप्लाई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है उसके बाद, अप्लाई करने के बाद। सो आई विल नॉट बी यूजिंग इट ऑन द पेंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, सो मैं सिर्फ इसको क्लैडिंग पार्ट में अप्लाई करने वाला हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो गाइज, पॉलिश अप्लाई करने के बाद रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है। पहले बहुत ज़्यादा इसमें मार्क थे, मड के और स्क्रैचेस थे, अब वो कुछ भी नहीं है। मैंने बस वो स्पंज जो है उसको स्मूथली इसमें अप्लाई किया है। इसमें एक ऑयल होता है जो ये सारे स्कार जो है यहाँ पे जो हम जितने मार्क्स है सारे निकल दिए उसने, और ये क्रोम पे भी मैंने वो अप्लाई किया है, तो बहुत सही लग रहा है, काफ़ी मेजर डिफरेंस है देखा जाए तो। ये क्लैडिंग क्लीन करने के लिए एंड पॉलिश करने के लिए महंगे केमिकल्स आते हैं 200, 300, 500 रुपए के, बट हम ये सिंपल सा 20 रुपए का, कहीं पे 15 रुपए का भी मिल जाता है, इसको अप्लाई करके क्लैडिंग को चमका सकते हैं। सी सो गाइज, मैंने कर दी है एक ब्लंडर अभी, मैं वो स्पंज से मैंने ऑलमोस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड के जो डोर क्लैडिंग है उसको मैंने पॉलिश कर दिए थे। मैं फ्रंट ग्रिल्स को पॉलिश करने ही वाला था, उतने में मैंने कर दिए गड़बड़, और मुझे वो भी आइडिया नहीं है कि कितना भारी पड़ सकता है मुझे वो चीज़। सो क्या हुआ आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाइज, मैं यहाँ के फ्रंट जो ग्रिल है, यहाँ की जो क्लैडिंग है, इसको मैं पॉलिश कर रहा था, मैं यहाँ पे कर चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं वो स्पंज को ओवर कर रहा था इसके ऊपर, उतने में ही मेरे हाथ से यहाँ पे वो स्पंज स्लिप हो गया और वो अंदर गिर गया। अब ये है रेडिएटर चेंबर जहाँ पे मेरा हाथ अंदर घुस भी नहीं रहा है पूरा, और प्रॉब्लम ये है कि वो स्पंज गिरा कहाँ है वो मुझे दिख भी नहीं रहा है। प्लस मैंने गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले मैंने नीचे गाड़ी के इंजन गार्ड लगाई थी मैंने, सो उसकी वजह से मुझे लगा था वो गिर के नीचे स्लिप हो जाएगा, बट वो नीचे भी नहीं गिरा, और वो कहाँ गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है फ्रंट ग्रिल का, इसको ओपन करने के बाद ही मैं उसको निकाल पाऊंगा। सो गाइस, ब्लंडर नंबर 2 इज, मैंने गाड़ी साफ करके पॉलिश करके रख दी थी बाहर, शेड में नहीं रखी थी मैंने, बाहर रखी थी ओपन रूफ। अब यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, मेरे घर में जितने गाड़ियाँ मैंने धोई थी और पॉलिश करी थी वो सारे हो चुकी है गंदी वापस, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैं गाड़ी के अंदर भी देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। सो आज का DIY वीडियो बनाना पड़ गया है मुझे महंगा, नॉट लिटरली महंगा, बट हाँ बिकॉज मेरा जो वो स्पंज है जिसमें ऑयल था तो वो चले गया अभी रेडिएटर चेंबर के अंदर, जिसको मैं अभी निकाल नहीं पाया हूँ, और आई एम नॉट श्योर मैं कैसे करूँगा, या आई हैव एन आइडिया कि कैसे उसको निकाला जा सकता है, बट वो पार्ट पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा और वो मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड प्रेफर मैं जाऊँ डीलरशिप में और सर्विस सेंटर में, वहाँ से मैं वो निकालूँ, बट ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वैसे आपको आइडिया तो आ ही गया होगा, मैंने दो चीज़ कवर करी है प्राइमरीली, कि गाड़ी को आप कोई भी सस्ती हेयर शैम्पू से धो सकते हो, बहुत ज़्यादा फोम वाली महंगी केमिकल शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ इट इज़ लाइक इफ़ यू आर ओनिंग अ न्यू कार, या अदरवाइज इफ़ यू हैव मल्टीपल कार और बहुत सारी गाड़ी आपके घर में और आप धोना पसंद करते हो खुद से, तो आप ले लो, लेकिन मैं बिल्कुल गाड़ी खुद से धोना पसंद नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैंने अपनी बाइक भी बहुत कम ही धोई है खुद से, मैं बाहर ही ले जाकर धोना पसंद करता हूँ गाड़ी को, बट ये नई गाड़ी है और आज पूजा करनी थी तो सारे सर्विस सेंटर बंद थे, तो मैंने सोचा खुद से करते विथ मिनिमल कॉस्ट। सो मैंने वही अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। फर्स्ट इज कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, सेकंड इज अगर आपकी अगर SUV है या फिर आपके नॉर्मल सेडान हैचबैक में अगर जो भी क्लैडिंग पार्ट है उसको आप पॉलिश कर सकते हो विद दैट 20 रुपीज़ वाला पॉलिश, वो मैं आपको दे नहीं सकता अमेजोन पर, आई डोंट नो वो मिलेगा कि नहीं, कोई भी नियरेस्ट आपके ऑटो पार्ट्स के शॉप में आपको 15-20 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो अप्लाई करिए आप, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। फिलहाल मैंने अप्लाई तो करा है, देखते हैं अभी उसमें डस्ट रियली अट्रैक्ट करता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर,
मैं आपको बताऊंगा वो, अदरवाइज मैं हो चुका हूँ गीला पूरी तरह से, मेरे दो ब्लेंडर हो चुके हैं थ्रू आउट द वीडियो। अब मैं नहीं चाहता कि ये और प्रोलॉन्ग हो, तो आज का वीडियो मैं आज ही यहीं पे एंड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। पता नहीं यार इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है मेरे। या आई नो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है वीडियो को अपलोड करना, बट करो यार, कैसे कर रहे हो, करो।